बाइक ले। इज द वीडियो नो या इज द आपने अभी जो नया कलेक्शन लॉन्च किया है वो आपने देखा, तो नया क्या लग रहा है कलेक्शन के लिए? मैं शुरू करना चाहूंगा बात ये से, इससे कि मुझे लगा था कि मैं, क्योंकि शायद भाई हमारे दोस्त हैं और मैं हमेशा उनके टुवर्ड्स बायस रहूंगा, लेकिन कलेक्शन देख के मैं वाकई कहना चाहूंगा कि इट्स रियली नाइस, इट्स एब्सोल्युटली वेयरेबल एंड कुछ ऐसे कलर्स होते हैं जो देख के आपको लगता है कि शायद ये इंसान कैसे पहन सकता है, लेकिन इनकी जो क्राफ्टमैनशिप है, इनकी जो क्रिएटिविटी है, जिस हिसाब से ये बनाते हैं, तो वो देख के कपड़ा आपको लगता है कि ये नहीं, ये कलर भी शायद मैं पहन सकता हूँ, तो ये शायद आमिर की USP है। आप अभी उनसे कुछ नया डिजाइन का पहनने वाले हैं? हाँ, मैंने बहुत सारी नीचे ऐसी चीजें देखी हैं जो मैं फुर्सत में इंशाल्लाह आऊंगा और डेफिनेटली मैंने दिमाग में रखा है कि मुझे क्या लेना है। मैंने बहुत सारे नेचुरल फैब्रिक्स यूज किए, जैसे माल भागलपुर का कलर्स एक्सपेरिमेंट, जैसे लाल, ऑरेंज, ब्लू और रेड। वैसे आई एम क्वाइट एन ऑफ वाइट एंड ब्लैक पर्सन, बट अपेरेंटली बोल रहे हैं अगर आप देखो सारे मेल जो बर्ड्स हैं वो ज्यादा रंगीन होते हैं, जैसे तो रंग कलर मंडे होते हैं। हाँ, वह जो फिल्म मैं कर रहा हूँ वो फैशन से रिलेटेड नहीं है, वो टाइम से रिलेटेड है। इट्स द गैंग्स ऑफ 1985, जो हाजी मस्तान, दाऊद इब्राहिम जो बॉम्बे से निकल चुके थे, उस टाइम के का प्लॉट है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज वो मेरी जवानी का प्लॉट था एंड मैं बहुत लोगों से मिल चुका हूँ, उनके गैंग से सहमत हूँ, सो आई एम रियली एंजॉइंग डूइंग दैट फिल्म। थैंक यू। मैम यहाँ पे मैम।